हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, सफलता का एक ही मूल मंत्र है, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा, मजबूत इरादा। जी हाँ, मैं कितना भी मेहनत कर लूँ या कोई दूसरा कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन सफलता तो आपके मेहनत से ही मिलेगी। तो इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए और बराबर तरीके से कदम मिलाकर तैयारी करते रहिए। देखिए ना, जो काम आप रेगुलर तरीके से करते हैं वो आसान लगती है कि नहीं, बताइए। तो ठीक उसी तरह से अगर रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम जो है बड़ी आसानी से तय कर लेंगे। क्योंकि अगर मैं यूं ही चलता रहा तो एक दिन किनारा ज़रूर मिलेगा, और जब अगर यूं ही अंधकार से लड़ता रहा तो एक दिन सवेरा ज़रूर मिलेगा, और जब ठानी लिया वहाँ तक जाना तो वहाँ तक के जाने का रास्ता भी ज़रूर मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डेली अगर कोई काम करते रहेंगे तो आपका इरादा मजबूत होता है, साथ ही साथ आपको वो चीज़ आसान लगने लग जाती है। तो आइए, इसी कड़ी में आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ MCQ सीरीज़ का, जो अभी हाल ही में 14 दिसंबर 2019 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में स्केल 1 से स्केल 2 में आए थे एग्ज़ाम, उसके MCQ सवालों के साथ आया हूँ। चलिए आज का MCQ सीरीज चालू करते हैं। और आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है कि कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट इज़ टू बी सबमिटेड विद इन क्लोज ऑफ अब दी मंथ। मतलब पूछा गया है कि CTR रिपोर्ट जो है, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो है, कब सबमिट की जाती है, और ये रिपोर्ट की जाती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को की जाती है बैंकों के माध्यम से। और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, मंथली की जाती है 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ मंथ, मंथली की जाती है 7 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ मंथ, हाफ ईयरली की जाती है 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ हाफ ईयर एंड नन। जी हाँ, CTR रिपोर्ट होता है कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। एक KYC गाइडलाइन में आपने पढ़ा होगा कि KYC गाइडलाइन के तहत अगर किसी ग्राहक के खाते में 10 लाख से ज़्यादा के जमा और निकासी होते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को की जाती है, और वो रिपोर्टिंग की जाती है मासिक आधार पर, मंथली, और वो भी 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ मंथ, जी उस महीने के खत्म होने के 15 दिनों के अंदर भेजी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ मंथ। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा गया है कि उसका मैक्सिमम लिमिट कितना होता है। ये ऐसे ग्राहकों को दिया जाता है जो MSME में है, जिनको वर्किंग कैपिटल आपने दिया हुआ है, और वो जो है 3 साल तक सेटिस्फैक्ट्री रन कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ऐसे यूनिट्स को दिया जाता है। और ये मैक्सिमम कितना दिया जाता है पूछा गया है, और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख और नन। जी हाँ, लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड जो है मैक्सिमम 10 लाख तक दिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 10 लाख। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, सवाल नंबर 3 के अनुसार, व्हाट इज द KYC अपडेशन पीरियड फॉर लो रिस्क कस्टमर एटलीस्ट वंस इन हाउ मेनी ईयर्स। पूछा गया, अगर कस्टमर लो रिस्क का है तो उनमें KYC अपडेशन जो है कितने दिनों में किए जाएंगे। तो ये सवाल पूछा गया है, और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 8 ईयर, 10 ईयर। जी हाँ दोस्तों, जो रिस्क क्लासिफिकेशन भी KYC का हिस्सा है, तो बैंकों द्वारा रिस्क क्लासिफिकेशन किया जाता है कि ये कस्टमर हाई रिस्क का है, मीडियम रिस्क का है, लो रिस्क का है, उसके आधार पर उनसे KYC मांगी जाती है दोबारा। तो यहाँ पूछा गया सवाल लो रिस्क का, तो इसका सही उत्तर होगा लो रिस्क के कस्टमर को 10 सालों में KYC जो है फिर से अपडेट करनी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा 10 साल, और अगर मीडियम रिस्क होगा तो 8 साल, और अगर हाई रिस्क होगा तो हर दूसरे साल में KYC मांगी जाती है। तो यहाँ सही उत्तर होगा 10 साल। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, और सवाल नंबर 4 के अनुसार देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोन पीरियड फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना लोन स्कीम। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर कोई लोन लिया है हितग्राही और उसको सब्सिडी मिल रही है, तो उसमें कितना जो रिपेमेंट पीरियड मैक्सिमम कितना होगा। आपके ऑप्शन है 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए जो मैक्सिमम टेन्योर होता है वो होता है 20 साल। जी हाँ, वो होता है 20 साल। तो यहाँ सही उत्तर होगा 20 साल। एक वीडियो भी मैं प्रधानमंत्री आवास योजना भी बनाऊंगा कुछ दिनों में, नेक्स्ट वीक तक आपके पास आ जाएगा, तो उसमें आपका पूरा और भी फंडा क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, और सवाल नंबर 5 के अनुसार, व्हाट इज़ द प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जी हाँ देखिए, ऐसे सवाल आते हैं प्राय एग्ज़ाम का जो ट्रेंड देखिए, एग्ज़ाम के ट्रेंड में क्या होता है, 40 सवाल तो लगभग एकदम एवरेज सवाल होते हैं, जिनको आप सरल तरीके से, अगर बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, अपडेट हैं, तो आप इजीली तरीके से कर लेंगे 40 से 45 सवाल। फिर जो 40 सवाल होते हैं थोड़े मध्यम कैटेगरी के होते हैं, जो नए नए चेंज आए हुए हैं उनके होते हैं, और जो 10 से 15 सवाल होते हैं वो एकदम रिसेंट डेवलपमेंट उच्च स्तर के होते हैं, जो कठिन स्तर के होते हैं वो होते हैं। तो देखिए, ये सवाल पूछा गया, व्हाट इज़ द प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
जी ये काफ़ी बैंकों में लगातार तरीके से आया। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो इसका प्रीमियम इसका ऑप्शन जो दिए हैं ₹10 पर ईयर, ₹12 पर ईयर, ₹24 पर ईयर, ₹330 पर ईयर। जी हाँ, तो यहाँ सही उत्तर होगा ₹12 पर ईयर। जी हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ऐसे लोगों के लिए हैं जो 18 साल से 70 साल उनकी एज हो, तो उनको कवरेज दिया जाता है। जो 2 लाख का कवरेज दिया जाता है दुर्घटना बीमा योजना के तहत, तो उसका प्रीमियम है ₹12 सालाना। इसका कवरेज 1 जून से 31 मई तक होता है। प्रीमियम 31 मई के पहले जमा करनी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ₹12 पर एनम। जी हाँ, बढ़ते हैं आप सवाल नंबर 6। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 6 के अनुसार 4 P's ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के 4 P होते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, और इसमें पूछा गया है कि चौथा P क्या होगा। जी हाँ, मार्केटिंग के 4 में से चौथा P क्या होगा, और आपके ऑप्शन दिए हैं प्लेटफॉर्म, पर्सन, प्रमोशन एंड पावर। जी हाँ, 3 P तो दिए हुए हैं, प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्लेस, तो चौथा P होगा यहाँ पर प्रमोशन। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा प्रमोशन। ये सवाल भी काफ़ी बैंकों में प्रमोशन एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए अब दोस्तों, अब सवाल नंबर 7 पे चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 7 के अनुसार व्हाट इज़ द एंट्री एज लिमिट फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का एंट्री एज, उसका लाभ लेने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हम भारत देश की एक महत्वाकांक्षी बीमा योजना के तौर पर है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन के विस्तार करते हुए उनको सुरक्षित करने के लिए ये बीमा योजना लाई गई थी। तो इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 18 to 40 ईयर्स, 18 to 50 ईयर्स, 18 to 70 ईयर्स, एनी एज। जी हाँ, इसमें एंट्री करने के लिए इसका सही उत्तर होगा 18 to 50 ईयर्स। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर जो एंट्री एज है वो है 18 to 50 ईयर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आप सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 के अनुसार व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट कैन बी क्लेम्ड फॉर सेटलमेंट इन लोक अदालत। अगर लोक अदालत में सूट फाइल करना है या दावा दायर करना है तो मैक्सिमम कितना क्लेम होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ₹10 लाख, ₹20 लाख, ₹50 लाख एंड ₹100 लाख। जी हाँ दोस्तों, अगर लोक अदालत में केस सेटल करना है, यहाँ क्लेम करना है, दावा दायर करना है, तो इसका जो मैक्सिमम लिमिट होगा वो ₹20 लाख। तो यहाँ सही उत्तर होगा ₹20 लाख। दोस्तों बढ़ते हैं आप सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट डिग्री। अगर कोई कोर्ट से डिग्री मिलती है, DRT से या किसी कोर्ट से, तो उसका लिमिटेशन पीरियड कितना होता है। और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, 3 ईयर्स, 5 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर्स। जी हाँ, ये तो बड़ा सरल सा सवाल है, आप सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर है 12 ईयर्स। तो लिमिटेशन जो होता है, डिग्री मिलता है तो उसका लिमिटेशन पीरियड होता है 12 ईयर्स उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आप सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। पूछा गया है कि FIR शुड बी मैंडेटरी फॉर काउंटरफिट नोट फाउंड इन ए सिंगल डिपॉजिट। कितने काउंटरफिट नोट, कितने नकली नोट अगर एक सिंगल डिपॉजिट में पाए गए तो FIR करना पड़ेगा। और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 3 नोट्स, 4 नोट्स, एबव 4 नोट्स एंड एनी नंबर। जी हाँ, यहाँ पूछा गया है कि अगर एक सिंगल डिपॉजिट में कितने नकली नोट पाए गए तो आपको FIR करना बहुत ज़रूरी है। और इसका सही उत्तर है एबव 4 नोट, मतलब या तो 5 मिल जाए या 5 से ज़्यादा मिल जाए तो फिर FIR जरूरी है। और अगर 4 से 4 मिलता है, 4 से नीचे मिलता है, तो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो है महीने में भेजना होता है नोट के साथ। तो इसका सही उत्तर होगा एबव 4 नोट। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 11 के अनुसार DCC मीटिंग शुड बी कन्वेंड बाई लीड बैंक्स एट इन हाउ मेनी इंटरवल्स। जी हाँ, DCC मीटिंग जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टिव जो कमेटी की मीटिंग होती है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के विस्तार को देखती है, उनके क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है उस पर जो मीटिंग्स होती है उसमें कार्य निष्पादन होता है, समीक्षा की जाती है, तो वो कितने इंटरवल में होते हैं डिस्ट्रिक्ट पर, लीड बैंक इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। तो जी हाँ दोस्तों, DCC मीटिंग जो होता है ज़िले में वो क्वार्टरली की जाती है लीड बैंक द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा क्वार्टरली। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आप सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है SLR इज डिफाइंड इन विच एक्ट। जी हाँ, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रेशियो जो है किस एक्ट के तहत डिफाइन किया गया है। और आपके ऑप्शन है 24, अंडर सेक्शन 24 ऑफ BR एक्ट, अंडर सेक्शन 26 ऑफ BR एक्ट, अंडर सेक्शन 24 ऑफ RBI एक्ट, अंडर सेक्शन 26 ऑफ RBI एक्ट। जी हाँ, इसका सही उत्तर है अंडर सेक्शन 24 ऑफ BR एक्ट 1949 के तहत SLR का डेफिनेशन दिया गया है। SLR के तहत कुछ प्रतिभूतियां गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पर बैंक को अपने नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का परचेस करके रखना पड़ता है रिजर्व बैंक के पास, तो इसको बोलते हैं SLR। तो चलिए, इसका सही उत्तर है अंडर सेक्शन 24 और 56 ऑफ BR एक्ट, इसके तहत प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ सही उत्तर होगा ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है।
सवाल नंबर 13 के अनुसार अनक्लेम डिपॉजिट इज टू बी ट्रांसफर टू DEF विच अकाउंट इज नॉट ऑपरेटेड फॉर हाउ मेनी लास्ट ईयर। देखिए यहाँ पूछा गया है कि अनक्लेम डिपॉजिट है उसको रिजर्व बैंक को ट्रांसफर करना पड़ता है, डीप अकाउंट में डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जमा करनी होती है बैंकों को मंथली बेसिस पर, तो वो कौन से अकाउंट होते हैं जो अनक्लेम होते हैं और कितने साल तक उनमें ऑपरेशन नहीं होता। आपके ऑप्शन है 2 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर एंड 10 ईयर। तो जी हाँ दोस्तों, ये सरल सा सवाल है, इसका सही उत्तर है 10 ईयर। जी हाँ, किसी अकाउंट में अगर 10 सालों तक लेन देन नहीं होता तो उसको अनक्लेम डिपॉजिट बोलते हैं, और बैंकों को ऐसे खातों की जो राशि है वो RBI को ट्रांसफ़र करनी पड़ती है जो डीप फंड में जमा होती है, तो इसका सही उत्तर है 10 ईयर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, अब सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। पूछा गया है कि STR रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड विद इन हाउ मेनी डेज। जी हाँ, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो है वो कितने दिनों में जमा करनी होती है, और आपके ऑप्शन है मंथली विद इन 7 डेज, मंथली फ्रॉम द क्लोज ऑफ मंथ ऑफ 15 डेज, ईयरली या विद इन 7 डेज फ्रॉम द सस्पिशियस कन्फर्म। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ऐसी कोई एंट्री जो सस्पिशियस लगती है और वो कन्फर्म हो गई तो कन्फर्मेशन से 7 दिनों के अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को भेजनी होती है, तो इसका सही उत्तर है डी, विद इन 7 डेज फ्रॉम द सस्पिशियस कन्फर्म। दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल पे, आज का 15वां सवाल कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम फैमिली इनकम फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ पढ़ो परदेश स्कीम। जी हाँ, ये एजुकेशन लोन की स्कीम है जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है, और इसमें पूछा गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए जो हितग्राही हैं उनके परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी है अधिकतम, तब उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। आपके ऑप्शन है ₹1 लाख पर एनम, ₹2 लाख, ₹3 लाख पर एनम, ₹5 लाख पर एनम, ₹6 लाख पर एनम। जी हाँ दोस्तों, पढ़ो परदेश योजना जो है एजुकेशन लोन से रिलेटेड है, और इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है, और ये योजना का लाभ वो लोग उठा सकते हैं जिनकी फैमिली इनकम जो है सालाना 6 लाख तक हो। जी हाँ, इनकी जो इनकम है 6 लाख तक हो, उनको ये योजना का लाभ मिलेगा, तो इसका सही उत्तर होगा 6 लाख पर एनम। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ MCQs, मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चन, रिकॉर्ड क्वेश्चन थे जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में स्किल 1 से स्किल 2 के प्रमोशन एग्जाम आए थे 14 दिसंबर 2019 को, और आशा करता हूँ कि इनसे आपका आत्मविश्वास बढ़ा होगा, हौसला बढ़ा होगा और थोड़ा मजबूत इरादा हुआ होगा, क्योंकि हमेशा याद रखिए पहाड़ी पहाड़ नहीं चढ़ते, इरादे चढ़ते हैं, और लड़ाई हथियार नहीं लड़ते, हौसले लड़ते हैं। आपके अंदर हौसला होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तो एग्ज़ाम की आप बहुत सारी सफलताएं हासिल कर सकते हैं, जीवन में जो चाहेंगे उसको पा सकते हैं, बशर्ते आपके लिए मेहनत ज़्यादा, खुद से वादा और मजबूत इरादा रखिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के साथ मैं आपके साथ आते रहूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैंकिंग प्रमोशन और इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो के साथ मैं आपके साथ आता रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।